अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है और जो आपने बात की, तो जो पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देख ली है, अल्लाह ताला का फजल है। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा, और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बहाल करके इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, उस तरह तमाम जमातों, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है, और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पर उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। अच्छा, इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है, जो आप समझते हैं क्या। अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। बहुत बड़ा जलसा हुआ, ठीक है, लोगों ने देखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर चलो अपने मसाइल बताए, लोग तो मुंतजिर थे कि वो उनके मसाइल वाले को बताएंगे। पहली बात है, ऐसे तो ना करें कि ठीक है, ये तो ना करें, तारीफ तो पूरे दिल से करें ना, कर रहे हैं, एक बार फिर करें, नहीं बहुत अच्छा, मानते हैं, चलो वेरी गुड। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में ये कहा कि मैं अपने जाती जो मेरे साथ नुकसानात हुए हैं, जो मजालिम हुए हैं, उन सबको भुलाकर मैं मुल्क के लिए वापस आया हूं, मैं मुल्क को, आवाम को रिलीफ देने के लिए। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 9 नकाती एजेंडा बताया कि हम किस तरह ब्रॉड कॉन्टूर्स, जो जलसे की तकरीर होती है उसमें आप अपना पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो तो नहीं बयान करते, लेकिन आप एक पूरा ब्रॉडर अपने प्रायोरिटी एरियाज़ बताते हैं, जो मियाँ साहब ने बड़ी तफसील से बताए। और उन्होंने आवाम के मसाइल से बात शुरू की, उन्होंने बिजली के बिल दिखाए, जो 11 रुपये यूनिट नवाज शरीफ के दौर में था, आज उस बिजली की जो प्राइस है वो कितने गुना बढ़ चुकी है। बात ही उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के मसाइल से शुरू की थी, रोटी की कीमत बताई कि जो आज पाकिस्तान की आवाम 5 रुपए की रोटी उनके ज़माने में लेती थी, वो आज 30 रुपए की रोटी पाकिस्तान की आवाम। उन्होंने कहा मेरा दिल दुखता है क्योंकि जो तरक्की का सफ़र 2017 में शुरू हुआ, 13 में शुरू किया, 17 तक पहुँचाया, उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने उसका खमियाजा भुगता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बात की, और हमारा पूरा इलेक्शन मैनिफेस्टो, तमाम जो हमारे एरियाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के मसाइल से जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह रिलीफ दिया था और एक दफ़ा फिर देंगे। अच्छा, 11 नवंबर को मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास का एजेंडा क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि शायद मियां साहब फिर से पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं, एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो अभी मीटिंग हुई थी एक, जो उसमें तफसीली गुफ्तगू एहसन इकबाल साहब ने की थी कि जो मियाँ साहब हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए अपने कारकुनान, अपने वर्कर्स, पार्टी के अहदेदार, रहनुमा, सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया था कि जिस किस्म का इस्तकबाल उनका तारीखी हुआ है उस पर सबको खराज तहसीन पेश की थी। 11 नवंबर को हमारा जनरल काउंसिल का जो इजलास है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, जो पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी का है, जो बर्बरियत, जुल्म और गुनाह हो रहा है मासूम बच्चों को शहीद करके, और इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनरल काउंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो होगा 11 नवंबर को, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के साथ यकजहती, पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी और फ्री पैलेस्टाइन की जो इसके अंदर थीम है, बातचीत है, वो सब जो पूरे पाकिस्तान से जनरल काउंसिल के मेंबर्स आएंगे वो फ़लस्तीन के साथ यकजहती करेंगे। अच्छा मैम, ये रहनुमाई करते हैं कि अब 30 नवंबर को हतमी जो फहरिस्तें हैं वो जारी हो जाएंगी, जो कि हल्का बंदियों के हवाले से हैं, उसके बाद तक तो जाहिर है इलेक्शन शेड्यूल आना है 8 फरवरी का तय है। अगर मियां नवाज शरीफ की अपीलें फिक्स नहीं होती, फैसला नहीं होता, तो
आप ही समझती कि ज्यादा मुश्किल होगी कि उनके कागजात नामजदगी? आप तो फिर दोबारा से हमारी लेवल पर आ गए। देखिए जी, मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि इसके साथ एक और मैडम ऐड कर लीजिएगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या इन अपीलों की बहाली के बाद वो खत्म हो जाएगा या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद? जो नाइंसाफी इस मुल्क के तीन दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक अकामे के ऊपर पैनमा का शोर मचाकर उनको हटाया गया अपने मनसब से, उसको उसका उसकी तस्हीह होना इस मुल्क की बेहतरी है। और अगर आज हम समझते हैं इस बात की कि वो ज्यादती आज पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा ये जानता है कि सरीना के लफाफों में आके मियां साहब का फैसला सुनाया गया था, आप भी जानते हैं, आप हमारे साथ खड़े होते थे, इसलिए इस पूरे जो इंसाफ के अमल को, इस पूरे जो जस्टिस इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, पाकिस्तान के अवाम की 23 करोड़ अवाम की बेहतरी इसमें है कि इस सारी की तसीह होकर वापस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे, पाकिस्तान के अवाम के वोट की ताकत से चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इक्तदार में आकर पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेगी, उनको रिलीफ देगी और जिन मसाइल में आज पाकिस्तान की अवाम और नौजवान गिरा है उसको इंशाल्लाह खत्म करेगी।